Dear learners, welcome to my YouTube channel DM Madhuram. Today we will study NCERT English Class 1st Unit 2 Chapter 4. Today हम सीखेंगे Class 1 का Unit 2 का Chapter 4, जो Chapter का नाम है वो The Bubble, The Straw and The Shoe. बबल बुलबुला, एक्स्ट्रा नली, सु जूता. ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं. लिसन एंड एंजॉय दिस स्टोरी. इस स्टोरी को सुनो और एंजॉय करो. वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ बबल, एक्स्ट्रा एंड सु. एक बार की बात है, बबल, एक्स्ट्रा और सु रहा करते थे जूता. One day they went to the forest. एक दिन वो जंगल गए. They came to a river. वो एक नदी के पास आए या पहुँचे. They did not know how to cross it. उन्हें नहीं पता था कि वो इसे किस तरह से पार करें या उनसे पार करते नहीं आता था. The shoe said, तो जूता बोला, Bubble, let us float on you. बुलबुले, हमें अपने ऊपर तैरने दो. तो कुछ वर्ड्स मीनिंग है यहाँ पे आप बता देते हैं. बबल बुलबुला, एक्स्ट्रा नली, फॉरेस्ट जंगल, सू जूता, रिवर नदी, क्रॉस पार करना, फ्लॉट बहना या तैरना, स्ट्रेच लंबा करना या फैलाना, बैंक किनारा, जंप कूदना, लाउड धमाके की आवाज़, स्प्लैश पानी की छपाक या पानी की छपाक की आवाज़. ठीक है, तो क्या बोलता है सू? नो सू, अरे नहीं जूते. लेट्स एक्स्ट्रा स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर, देन वी कैन क्रॉस द रिवर. तो बोलता है कि एक्स्ट्रा अपने आप को नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक फैला दे और हम उसे के ऊपर से नदी को क्रॉस कर लेंगे, पार कर लेंगे. सो द एक्स्ट्रा स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर. तब एक्स्ट्रा जो है वह अपने आप को एक किनारे से दूसरे किनारे तक फैला लेता है. ठीक है, ऐसे. When the shoe jumped on the extra, it broke. The shoe fell into the water with a loud splash. जब जूता जो है एक्स्ट्रा के ऊपर कूदा तो वह एक्स्ट्रा जो था वह टूट गया. The shoe fell into the water. और जूता जब है पानी में एक बड़ी पानी की छपाक की आवाज़ के साथ गिर गया. The bubble shook with laughter. एंड ब्रस्ट विद द बिग बैंग. जो बबल था वह हिल हिल कर कांप कांप कर हंसने लगा और एक बड़ी सी धमाक की आवाज़ के साथ फूट गया. आइए इस स्टोरी से रिलेटेड कुछ न्यू वर्ड्स देख लेते हैं. बैंक, बैंक नदी का किनारा. बबल बुलबुला, ब्रस्ट फूटना, क्रॉस पार करना, दीवार नदी, सू जूता, स्प्लैश में छपाक की आवाज़. ठीक है, लेट्स रीड. आइए पढ़ें. आई कैन ब्लो बबल्स, मैं बबल उड़ा सकता हूँ, बना सकता हूँ. आई कैन वियर शूज, मैं जूते पहन सकता हूँ. ठीक है, रीडिंग इज फन, पढ़ना जो है फन है. आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं. नेम द थ्री फ्रेंड्स, तीनों दोस्तों के नाम बताओ. द थ्री फ्रेंड्स आर बबल, एक्स्ट्रा एंड सू. तीनों दोस्त कौन कौन थे? बबल, एक्स्ट्रा और सू थे. वेयर डिड दे गो वन डे, एक दिन वे कहाँ गए? वन डे दे वेंट टू द फॉरेस्ट, एक दिन वो जंगल गए. व्हाट डिड दे वांट टू डू, वो क्या करना चाहते थे? दे वांटेड टू क्रॉस द रिवर, वो नदी को क्रॉस करना चाहते थे. ठीक है, लेट्स टॉक. हैव यू डू सॉरी How do you make bubbles? आप bubbles कैसे बना सकते हैं? We can make bubbles by blowing the air.
विथ हॉलो स्ट्रा इन द वाटर, हम एक खोखली स्ट्रा के सहारे उसमें हवा फूंक कर पानी में बबल्स बना सकते हैं। व्हाट डू यू वियर ऑन फिट, आप पैर में क्या पहनते हैं? वी वियर सॉक्स, शूज, स्लीपर, सैंडल्स एट्सेट्रा ऑन माई फीट, हम जो हैं मोजे, जूते, स्लीपर और सैंडल पहनते हैं। हाउ वुड यू क्रॉस अ रिवर, आप नदी कैसे पार करते? आई वुड क्रॉस अ रिवर विद द हेल्प ऑफ बोट, मैं नदी जो है बोट की हेल्प से पार करता। लेट्स शेयर, ठीक है। पुट दीज डूइंग वर्ड्स इन टू द सेंटेंसेस, ये जो डूइंग वर्ड है एक्शन वर्ड जिसको हम वर्ब कहते हैं, इनको आपको सेंटेंसेस में रखना है। जंप कूदना, सुख हिलना, एक अपना स्ट्रेच फैलाना या फैलना, ब्रस्ट फटना। द स्ट्रा स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक। द शू जंप्ड ऑन द स्ट्रा। द बबल सुक एंड सुक विद लाफ्टर एंड बस्ट विद अ बिग बैंग, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स ड्रॉ, आइए ड्रॉ करते हैं। ट्रेस द जर्नी ऑफ अ टेडपोल, आप टेडपोल की जर्नी को ट्रेस कीजिए, तो आप ऐसे ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है, और उसको पहुंचा सकते हैं। आई एम अ फ्रॉग नाउ, अब ये बोलता है मैं फ्रॉग बन चुका हूँ, तो पहले पडल में रहेगा, फिर पोंड में, फिर लेक में, फिर रिवर में, ठीक है। नेक्स्ट ड्रा द बबल्स एंड ट्रेस एंड से द लेटर अलाउड, आपको बबल्स बनाना है और उनको लेटर्स को पढ़ना है, तो ये आप ऐसे बबल बना सकते हैं और ऐसे, जैसे ये ए है तो ए, फिर ये बबल्स बनाए, फिर सी, फिर ये बबल्स बनाए बी, ठीक है, फिर ऐसे एफ, ठीक है, फिर ये बबल्स बनाए ई, ये बबल्स बनाए डी, ये बबल्स बनाए एच, ये बबल्स बनाए जी, ठीक है ना, फिर ये बबल्स बनाए आई, फिर ये बबल्स बनाए जे। सिंग, इसको आपको गाना है। होप अ लिटिल जंप, सॉरी, होप अ लिटिल जंप अ लिटिल, वंस टू थ्री, रन अ लिटिल स्किप अ लिटिल, टैप वन नी, बेंड अ लिटिल स्ट्रेच अ लिटिल, नॉड योर हेड, यॉन अ लिटिल स्लीप अ लिटिल इन योर बेड, ठीक है। तो इसको आपको सिंग करना है, गाना है। मैच द बॉल्स विद देयर नंबर्स, नाउ ट्रेस द नंबर्स, अब आपको ये जो बॉल्स हैं उसको उनके नंबर से मैच करना है और ट्रेस करना है, ठीक है। जैसे ये एट है तो एट से कर दिया, काउंट करना है जैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो इसको सेवन से ट्रेस कर देना है, फिर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, तो इसको आपको नाइन के साथ ट्रेस करना है, ठीक है, फिर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, इसको टेन के साथ ट्रेस करना है, ठीक है, फिर ये ऊपर सेवन था तो आपको इसको सेवन से ट्रेस कर देना है, ऐसे काउंट करके। थिंक टाइम, सोचो। लुक एट दीज ऑब्जेक्ट, इन ऑब्जेक्ट की तरफ देखो। पुट देम इनटू अ टब ऑफ वाटर, और इनको पानी के टब में रखो। से विच वन विल फ्लोट, विच वन विल सिंक, इसमें ये बताना है कि कौन सा पानी में डूब जाएगा और कौन सा पानी में तैरेगा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, ये रिबन है, फेदर है, मार्बल कंचा, लीफ पत्ती, स्टोन पत्थर, स्टिक लट्ठी, छड़ी, पेपर स्ट्रॉ, ये जिससे अपन जूस पीते हैं, सू स्पून, ठीक है। तो द ऑब्जेक्ट्स लाइक रिबन, फेदर, लीफ, स्टिक, पेपर, स्ट्रॉ एट्सेट्रा विल फ्लोट, ये तैरेंगे। एंड ऑब्जेक्ट लाइक मार्बल, स्टोन, सू, स्पून विल सिंक इन वाटर, और ये जो है पानी में डूब जाएंगे।
लर्न टू राइट, लिखना सीखें, ड्रॉ द बेल, कुआं को चित्र बनाना है, कलर इट एंड से द राइम अलाउड, और जो राइम है उसको तेज़ी से बोलना है। तो इसको आपको क्या करना है, कुआं को बनाना है और इसको कलर करना है। तो आप ये कुएं को बनाकर आप कलर कर लीजिएगा और ये हम सिंग जो है इसको तेज़ी से गाना है। अ बेल फेल इन द बेल, डिंग डोंग बेल। ठीक है, दिस स्टोरी इज कंप्लीट, यह स्टोरी जो है कंप्लीट हो चुकी है। आपको यह कहानियाँ अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगले लेसन की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल सके। थैंक यू।